और यहाँ पे मेरे साथ इस ब्लॉग में स्वप्निल आया है, जो कि अभी पुणे से आया था दो दिन पहले। स्वप्निल के साथ अभी बॉयज़ हॉस्टल पे जाएंगे, उसके दोस्त को कुछ ड्राई फ्रूट्स देने हैं और बिस्किट की पॉकेट देने हैं। तो उसके बाद कॉलेज दिखाएंगे और कॉलेज के बाद गर्ल्स हॉस्टल की तरफ लेके जाएंगे। और कॉलेज से कितना, डेढ़ ढाई दो किलोमीटर होगा ना, डेढ़ किलोमीटर बॉयज़ हॉस्टल है, वहीं से डेढ़ किलोमीटर गर्ल्स हॉस्टल है, तो डेढ़ डेढ़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिलहाल मानसून का मौसम चल रहा है, तो सभी तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पे पीछे की साइड हमारे होटल दिखाई देंगे आपको। आज संडे इसलिए होटल्स ऑफ है, लिए कुछ स्नैक्स और आपको नाश्ते के लिए। तो चलिए, नए ट्राइपॉड से वीडियो बना रहा हो, तो वीडियो इस ट्राइपॉड जो रियलमी का ट्राइपॉड है, इसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई बोल रहे हैं, भाई के लिए कीजिए, भाई बहुत मेहनत कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइज। चलिए अभी गगनगिरी हॉस्टल की तरफ चलते हैं। अभी तो ये हॉस्टल का आउटसाइड है, इनसाइड जाने को परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये बंदा पहले इसी हॉस्टल में रहता था सफील। भाई हॉस्टल कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हॉस्टल है। खाना कैसा है यहाँ? रेटिंग खाना कैसा है? सच बोल भाई, डर मत, जो कोई फेल नहीं करने वाला। मजबूरी से भी खाना पड़ता है कभी कभी। ये देखिए ऐसा व्यू दिख रहा है, नज़ारा बहुत बढ़िया होता है यहाँ पर कोकण में। तो यहाँ पे जो नज़ारा है हॉस्टल का, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हर वक्त आप चेकिंग होती है, एंट्री और जाना आना सब कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ पे हर टाइम गार्ड होता है, क्योंकि हॉस्टल इंचार्ज बोलते हैं इसको। यहाँ पे अंदर यहाँ पे देखिए कांटेक्ट नंबर है, जो उनकी हॉस्टल है क्या, हॉस्टल के जो कांटेक्ट और इंचार्ज है उनका है। और यहाँ पे हमारा दोस्त इधर देख, प्रमोद भाई, यहाँ पे हमारा दोस्त है प्रमोद। यहाँ पे देखिए भाई, जलवा है, जलवा जलवा है सर, जलवा है। यहाँ पर राइट नाउ हम जम्मू में, जम्मू कश्मीर से आया है। राइट नाउ वी आर इन जम्मू, नहीं नहीं, राइट नाउ आई एम वी आर इन डीबाटू, और जम्मू कश्मीर से आया है यहाँ पे कॉलेज के एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए। अगर वो ऑनलाइन हो जाती तो इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, काफी मस्त है। अगर ऑनलाइन रहता तो भाई पूरा हो गया क्या फाइनल ईयर का, इंटर्नशिप या मुझे एग्जाम की पढ़ाई वढ़ाई होगी, पढ़ाई भी होगी मस्त एकदम। मौसम कैसा है अभी यहाँ पे? मौसम यहाँ पे गर्मी है, तो भाई आप कश्मीर से? कौन से डिपार्टमेंट? कंप्यूटर डिपार्टमेंट। नहीं सेकंड ईयर। देखा नहीं भाई को बोला, तो ये नया बंदा है, वो धीरे बोलता है, वो धीरे बोलता है। क्लासमेट था तो आती में रहने वाला था, मैं आगे में हॉस्टल में है ऑलरेडी मार्च से, चार पांच महीने से है तो विराला। सही है, सही है। ओके चलिए गाइस, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी अगर आपको हॉस्टल दिखाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकते, पर दिखाएंगे दूर से, जूम करके गर्ल्स हॉस्टल दूर से दिखाएंगे। शाहिद वहाँ आना यार घूमने के लिए, हम क्या है चिड़दा को मारा था। हाँ तिकड़े कैंटीन है मैं, वहाँ पे कैंटीन है, तो वहाँ पे कैंटीन पे अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए उस साइड से, तो ये कौन सा के बच्चे रहते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर
साइड जो है हमारा कॉलेज है जो कि डी बाटू कॉलेज है, और इस साइड गर्ल्स हॉस्टल्स है, एंड इस साइड जो है दिख रहा है आईपीयू है, आईओपी कॉलेज, आईओपी डिप्लोमा का कॉलेज है, और इस साइड पीछे गेस्ट हाउस इंजीनियरिंग, तो आपको सब कुछ दिखा दूंगा मैं, चलिए। साइड है गर्ल्स हॉस्टल, अभी इस साइड जाने वाला है, अभी रनिंग में आपको वीडियो दिखाएंगे हम स्लो करके, तो ज़्यादा फास्ट तो नहीं दिखा सकते क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, सही कुछ ज़्यादा करीब से तो दिखा नहीं सकते क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है, तो कॉलेज से डायरेक्टली उस तरफ से ही रास्ता जा, मीन्स पैदल जाता है, चल चल के जा सकते हो आप, क्योंकि पास में आप 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, और यहाँ यहाँ तक पैदल आते हो तो यहाँ से 10 मिनट लगते हैं, उसके पीछे गाँव में एक हॉस्टल है वो थोड़ा दूर है, 2-2.5 किलोमीटर है, तो आपको और कॉलेज के पीछे एक नया हॉस्टल बन रहा है गर्ल्स के लिए, तो देखते हैं, चलिए आपको गर्ल्स हॉस्टल दिखाता हूँ। सर दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर भी यहाँ से ये वीडियो लेके चलते हैं, तो जो तो गाँव है तो यहाँ पर सकती है, ठीक गाँव है, ओ भाई चलो चलना, तो फिर आगे चलते हैं, तो यही गर्ल्स हॉस्टल जो है बहुत सुंदर वीडियो है, मैडीज भी लॉक की सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में,
अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस है जिसका नाम है आनंदवन और वाइस चांसलर हाउस है जो कि हमारे कॉलेज की वीसी है, और यहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज बीएसएनएल का ऑफिस है, और यहाँ पे देखिए, चलिए भाई अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर आपको थोड़े से चार्ज दे के यहाँ पर रहने को मिलेगा, और बढ़िया है घर, हॉस्टल का इन्वायरमेंट एंड बढ़िया है, यहाँ का नेचर तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे नेचर इसका, और उसी साइड यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा जाता है वाइस चांसलर्स के घर पे यहाँ पर मुक्त पक्षी विहार एंड वन औषधि उद्यान, यहाँ पर देखिए आप देख ही रहे हो गए पक्षी, तो यहाँ कॉलेज का जो नेचर है यहाँ पे देखिए कि पक्षियों को रहने के लिए यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे घर बनाए गए और पानी भी रखा गया है, उनका खाना भी यहाँ पे रखा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चलिए आपने देख लिया यहाँ पे हॉस्टल, जो हॉस्टल से गेस्ट हाउस से बेटर है, गेस्ट हाउस पर आप ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते हैं, और इस साइड वाइस चांसलर का बंगला है, और यहाँ पे देखिए गेस्ट हाउस बढ़िया है भाई, गेस्ट हाउस की वाही वाह है, क्योंकि यहाँ पे आपको पे करके रहना मिलेगा दो दिन के लिए, चार दिन के लिए, वन वीक के लिए, अगर आप यहाँ पे आते हो आनंद रायगढ़ में या बाटू की तरफ घूमने के लिए तो आप आनंदवन में रह सकते हो गेस्ट हाउस में परमिशन लेके, और यहाँ के जो चार्जेस है वो पे करके रह सकते हो, अभी चार्जेस पता नहीं है, और अभी आज गेस्ट हाउस बंद दिख रहा है क्योंकि अभी तक आज कोई रहने आया नहीं होगा, क्योंकि संडे आप अंदर भी जा, अंदर है अंदर बॉयज़ है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे फाइनल ईयर के लिए, फाइनल ईयर के चलते हैं वापस यहाँ से लौट के भाई, क्यों चल रहा है गाइस, थैंक यू सो मच हमारा पूरा ब्लॉग देखने के लिए, हमने फाटे पे से स्टार्ट किया था, बॉयज़ हॉस्टल दिखाया, बाद में यूनिवर्सिटी दिखाई, बाद में गर्ल्स हॉस्टल, और वहाँ पे आईओपी भी दिखाया डिप्लोमा का कॉलेज, और जो हमारे पीछे अभी चल रहे हैं हम और गेस्ट हाउस ये भी आपको दिखाया है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे जम्मू से गेस्ट हाउस कश्मीर से, हाँ ये भाई गेस्ट हाउस पे रहता है, मेरे साथ रहता है और रूम पे, और ये पहले हॉस्टल पे रहता था, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर से भी लोग आए रहने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यहाँ इधर इस एरिया में पास में घूमने के लिए जो जो चीज़ें हैं उनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे गई है, वहाँ पर लिंक पर जाके भी ब्लॉग देखिए, चलिए बाय बाय, टेक केयर। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की